हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मतलब नेक्स्ट uh, टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हार्मोनिक मीन एंड यूज़ ऑफ जोमेट्रिक मीन हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था आज हम रीड करेंगे स्टडी करेंगे मतलब uh, इसके यूजेस क्या क्या है तो इसके बेसिकली यूजेस वहाँ हुआ जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लेके बताया था पर आवर वाला एग्जाम्पल कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल था मतलब वहाँ पे पर आवर पे टाइम गिवन था ना मेरे को ठीक है तो मेरे को यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ वैल्यू मेरे को गिवन होगी अगर वो मेरे को वहाँ पे पर में दी दी हुई है वैल्यू ओके पर यूनिट करके या फिर पर लीटर करके पर आवर ठीक है पर किलोमीटर मतलब आ, इस टाइप से ठीक है तो अगर मेरे इस टाइप से वैल्यूज़ गिवन है तो वहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना है हारमोनिक में एक बार मैं थोड़ा राइट करके और दिखा देती तो हूँ कैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे हारमोनिक मतलब इसके रिटर्न में एग्जाम वो लिख दिए हैं यूजेस तो इसमें देखो क्या लिखा है द हारमोनिक मीन लाइक अरिथमेटिक मीन मतलब यहाँ पे लाइक अरिथमेटिक मीन क्यों लिखा है क्योंकि हारमोनिक मीन भी हम किस लिए यूज़ करते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए ठीक है इज़ ऑल्सो यूज इन एवरेजिंग ऑफ रेशोज लाइक मतलब ये स्पेशली कहाँ पर यूज़ होता है एवरेजिंग ऑफ रेशोज ओके लाइक पर प्राइस पर यूनिट जहाँ पे गिवन हो किलोमीटर पर आवर गिवन गिवन हो वर्क डन पर आवर गिवन हो ठीक है मतलब पर करके कुछ गिवन हो रेशो मतलब क्या समझ दो समथिंग लाइक दैट कि कुछ रेशो में मेरे को वैल्यूज गिवन है ठीक है इस टाइप से एक्सेट्रा अंडर सर्टेन कंडीशंस कुछ उनकी कंडीशंस होती है उसके बेसिक uh, उसके बिहाफ में हम ये हारमोनिक मीन फाइंड करते हैं मतलब ये वहाँ पर यूज़ करते हैं ओके okay? तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है प्राइस का फॉर्मूला होता है मेरे पास मनी टोटल मनी डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज़ ओके क्वांटिटी अगर मेरे पास ज़्यादा वहाँ पे गिवन है और स्पीड का जैसे मैंने लास्ट में लास्ट वीडियो में लिया ही था एग्जाम्पल ये आप अच्छे समझ ही गए हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम एंड नेक्स्ट वर्क डन पर आवर मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन ओके सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन ऑफ एवरेज मतलब कि हमें कौन सी टाइप की एवरेज वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ओके सो बाय बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में